अपने चैनल किसान बदलेगा में स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा विषय है बीबी कॉर्न। दोस्तों आज हम बात करेंगे बीबी कॉर्न मक्के के बारे में, जानेंगे बीबी कॉर्न क्या है, बुआई का समय, बुआई का तरीका, कटाई की प्रक्रिया, उपयोग और उन्नतशील किस्मों के बारे में। तो बात करते हैं बीबी कॉर्न क्या है। मक्के की वह अवस्था जब भुट्टा दुग्धावस्था में होता है, उस अवस्था को बीबी कॉर्न कहते हैं, लेकिन इसकी किस्में अलग होती हैं। आइए बात करते हैं बुआई के समय। तो इसकी बुआई के लिए 25 अक्टूबर से 15 नवंबर तक का सही समय माना जाता है। अब हम बात करेंगे बुआई के तरीके की। अगर इसकी बुआई के तरीके की बात करें तो इसकी बुआई कतार के रूप में करनी चाहिए, और कतार में बुआई करने के लिए पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर तथा कतार से कतार की दूरी 60 से 65 सेंटीमीटर होनी चाहिए। की कटाई की बात करें तो जब भुट्टा दुग्धावस्था में आ चुका हो तो इसकी तुड़ाई कर लेनी चाहिए। अगर इसका ज़्यादा समय होता है तो उसके दौरान यह बेबी कॉर्न की स्थिति को पार कर चुका होगा, जिसके कारण बाजार मूल्य इसका कम हो चुका होगा। पर ध्यान में रखने योग्य बात यह है कि इसे कभी ढेर लगा कर ना रखें, अन्यथा यह भुट्टा काला पड़ जाएगा। अगर हम इसके उपयोग की बात करें तो यह पास्ता, चटनी, रायता, सलाद, सूप, अचार, सब्जी आदि के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगर इसकी उन्नतशील किस्मों के बारे में बात करें तो HM4, VN42, HAM129, गोल्डन बेबी आदि इसकी कुछ प्रमुख प्रजातियां हैं। अगर इन प्रजातियों की औसत उपज की बात करें तो लगभग 10 क्विंटल प्लस उत्पादन होता है, और यह हरे चारे के रूप में बेहतर प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों अगर दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके अपने विचार आप कमेंट में ज़रूर दें।